नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक और आप देख रहे हैं मेरा टेक्नोलॉजी न्यूज चैनल टेक्नोडेट प्रेरक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ टेक न्यूज से। सबसे पहला जो न्यूज है वो है एसुस की तरफ से। एसुस ने अपना नया एसुस ज़ेनफोन 6Z यानी कि 6Z एक्चुअली वो अनाउंस कर दिया है। वो अनाउंस तो काफ़ी टाइम पहले कर दिया लेकिन अभी ये 26 जून से फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ वो लॉन्च हो रहा है। वो है उसमें 855 स्नैपड्रैगन का 855 ऑक्टा कोर वेरी हाई एंड फ्लैगशिप CPU है। उसके अलावा ये 6GB और 8GB रैम वेरियंट में अवेलेबल है। उसमें जो मेन फीचर है वो उसका कैमरा है, जो IMX586 सोनी का जो सेंसर है उसके बेस पर 48 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, जो रियल 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। प्लस उसमें आपको वाइड शॉट शूट करने के लिए 13 मेगापिक्सल का एक अलग से कैमरा, रियल कैमरा मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो उसका फीचर है वो ये जो रियल कैमरा है वो एक टाइप का फ्लिप कैमरा है, जो फ्लिप होकर आपको सेम कैमरा सेल्फी के लिए भी यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। उसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो 5000 mAh का मैसिव बैटरी कैपेसिटी है। और उसमें जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस LCD IPS LCD डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले नहीं है। लेकिन ये जो फ़ोन है वो वन प्लस का जो 7 और 7 प्रो रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ उसके सामने टक्कर देने के लिए ASUS ने मार्केट में ये इंट्रोड्यूस किया है। और जैसे मैंने बताया 26 जून से फ्लिपकार्ट में ये अवेलेबल होगा। अगर आपको ASUS के फ़ोन पसंद है और अगर आप फ्लैगशिप कैमरा देख रहे, एक अच्छा कैमरा जो वन प्लस या वन प्लस 7 प्रो का ऑलमोस्ट सेम, वन प्लस 7 प्रो से काफ़ी कम लेकिन वन प्लस 7 से ऑलमोस्ट सेम रेंज में, यानी कि 31,999 में आपको 64GB स्टोरेज और आपको 6GB का रैम मिलेगा। और जो 8GB स्टोरेज और 256GB का जो स्टोरेज है वो आपको करीब 38,999 यानी 39,000 में मिलेगा। और ये जो है 6GB स्टोरेज 64GB का जो स्टोरेज वेरिएंट है वो 31,999 यानी कि आपको 32,000 में फ्लिपकार्ट में 26 जून से अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों दूसरा बात करते हैं तो कैंसर के बारे में। काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, काफ़ी सारे लोग आपको अनफॉर्चुनेटली सराउंडिंग में कैंसर पेशेंट मिल जाएंगे। लेकिन एक खुशखबरी, अभी रिसेंटली जो मेडिकल साइंस का एक जर्नल है उसमें जो पब्लिश हुआ है वो लेज़र ट्रीटमेंट, अभी जो करंट लेज़र जो ट्रीटमेंट है उससे 1000 times ज़्यादा इफेक्टिव है। मीनिंग आप जो भी कैंसर पेशेंट है उसके जो ब्लड में कैंसर सेल सर्कुलेट हो रहे उसको बहुत ही एक्यूरेटली डिटेक्ट करके, नॉट ओनली वो डिटेक्ट करता है उसको ख़त्म करने का भी कैपेसिटी रखता है, वैसा ये लेज़र ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस होने वाला है। और जो प्राइमरी स्टेज में जो कैंसर है उसको बहुत ही इफेक्टिव डिटेक्ट होकर जो सेकेंडरी स्टेज जाने से पहले अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो कम्प्लीटली प्रिवेंट करता है। होपफुली इंडिया में भी ये जो टेक्नोलॉजी है वो जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच, सो इट विल हेल्प बेनिफिट अ लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट। दोस्तों दूसरा जो अपडेट है वो शाओमी से। शाओमी ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन में उसके जो स्मार्ट बल्ब है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए। आप अगर स्मार्ट बल्ब परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो शाओमी के जो ये MI बल्ब है उसका प्राइस है करीब 1299 यानी कि 1300 रुपीज़। और उसका कुछ फीचर का बात करूं तो उसमें MI ऐप के थ्रू वो कलर को चेंज कर सकते हैं, वो बल्ब जो है वो वाईफाई से कनेक्ट होगा, MI ऐप से कंट्रोल होगा और आप उसका ब्राइटनेस चेंज करते कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, वो अमेजोन एलेक्सा और गूगल का जो वॉइस असिस्टेंट है उसको सपोर्ट करता है। सो आप विथ वॉइस कमांड आप उसको ऑन, शेड्यूल्ड ऑन ऑफ या एट अ टाइम ऑन ऑफ कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, उसका ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ स्मार्ट बल्ब परचेस करने का तो ये एक अच्छा मौका है, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों दूसरा जो अपडेट है वो इंटेल से है। इंटेल अभी रिसेंटली अप टू 15% उसके जो 8th और 9th जनरेशन के जो CPU है उसका प्राइस कट अनाउंस किया है।
ये इंटेल को इसके लिए प्राइस कट करना पड़ा बिकॉज अमेजोन के जो रेजन सीरीज के जो प्रोसेसर है, रेजन 3000 सीरीज के प्रोसेसर, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। 8 कोर और 12 कोर के जो ये डेस्कटॉप लेवल के सीपीयूज है, उसका जो एएमडी है उसने बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखा है। और रिसेंटली इंटेल का भी 14 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर का प्लांट है उसमें भी काफ़ी सारे प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, उसकी वजह से हाई डिमांड की वजह से उसका प्राइस भी बढ़ गया था। सो प्राइस कंट्रोल करने के लिए और कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहने के लिए इंटेल ने ये प्राइस कट इंट्रोड्यूस किया है। ये प्राइस कट कभी इफेक्टिव होगा वो हाल ही की पता नहीं है, लेकिन जल्दी शायद बिकॉज ऑफ राइजन सीरीज का जो इंट्रोडक्शन है सीपीयू लेटेस्ट सीपीयू सीरीज को वो ध्यान में रखते हुए इंटेल जल्दी वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा। दोस्तों अगर आप एप्पल का वॉच अगर यूज कर रहे हैं हाल ही में, तो एप्पल ने इंटरनेशनल योगा डे को ध्यान में रखते हुए एक रिवॉर्ड प्रोग्राम प्लान किया है। उसमें अगर आप 15 मिनट्स का योगा विथ रिकॉर्डिंग टू योर एप्पल वॉच अगर करते, अगर आप 15 मिनट का योगा करते और वो अगर रिकॉर्ड करते एप्पल वॉच में, तो वो योगा सेशन आपको एप्पल रिकॉग्नाइज करेगा और आपको एक वर्चुअल सर्टिफिकेट देगा एज अ रिवॉर्ड। नॉट ओनली दैट, आपको एक इमोजी, वर्चुअल इमोजी अवेलेबल हो जाएगा जो अगर आप फेस टाइम यूज़ करते हैं या मैसेज यूज़ करते हैं उसमें आपको यूजफुल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वन प्लस की तरफ से। वन प्लस ने रिसेंटली वन प्लस सेवन प्रो और वन प्लस सेवन तो इंट्रोड्यूस कर दिया। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है वन प्लस टीवी। ये वन प्लस टीवी जो है वो ऑक्सीजन जो उनका प्रोप्राइटरी ओएस है, जो एंड्रॉइड बेस्ड उन्होंने डेवलप किया है यूआई, वो बेस पर होगा। वो 4K टीवी होगा और जो रूमर बताते अकॉर्डिंगली वो ओएलईडी स्क्रीन नहीं होगा उसका। सो दैट्स वाई वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अप टू 50,000 उसका प्राइस अप्रोक्सीमेट एक रिमर की तरफ से होने वाला है। और उसमें डॉल्बी का जो सर्टिफिकेशन है वो होगा, दैट मींस आपको डॉल्बी का साउंड मिलेगा। नॉट ओनली दैट, उसमें आपको 4K कंटेंट फ्रॉम अमेज़न और नेटफ्लिक्स से रेडिली, मीनिंग इनबिल्ट, आपको अमेजोन का फायर टीवी स्टिक या और कोई गूगल का क्रोम जो क्रोमकास्ट है वो लेने का ज़रूरत नहीं है। उसमें इनबिल्ट ऐप मिल जाएगा जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन को आप डायरेक्टली 4K तक स्ट्रीम कर सकते हैं। ये जो टीवी है वो जो अभी ऑलरेडी कॉस्ट इफेक्टिव टीवी मार्केट में MI की तरफ से है उसको डायरेक्ट कंपटीशन आएगा और नेक्स्ट मंथ में आई थिंक वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। देखते हैं इंडिया में वो कब आ रहा है। वैसे दोस्तों आप कुछ LED टीवी या स्मार्ट टीवी का प्लान करें अगर कर रहे हैं तो कौन सा टीवी यूज़ करने वाले या कौन सा बाय करने वाले वो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो एज यूजुअल लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स को डेफिनेटली शेयर कर दीजिए और उससे मुझे काफ़ी हौसला अफजाई होगा, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यू गाइज टेक केयर एंड वी विल सी यू सून इन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एपिसोड ऑफ टेक्नोडे प्रेरक। थैंक यू एंड बाय बाय।